तो आगे चलते हैं आईसीसी के लिए मैथ प्रश्नावली 5.1 का 29वां क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को दिया था इसमें कि प्रश्न 26 से 29 तक में के का मान ज्ञात करें ताकि निर्दिष्ट बिंदु संतत है। ये संतत कह रहा है, बराबर हो चाहे ना हो एक संतत फलन कह रहा है क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन, यदि एक्स का जो मान है 5 से छोटा है और यहाँ पर एक्स का मान है 5 से बड़ा है, इसका मतलब एल एच लिमिट इस पर निकलेगा और आर एच लिमिट इस पर निकलेगा। क विद्या के द्वारा परिभाषित कर्ण एक्स बराबर 5 पर, तो लिखेंगे एल एच लिमिट एक्स टेंड टू 5 माइनस एच एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 और यहाँ पर लिमिट एच टेंड टू 0 पर टाइम करने लगेगा कि एक्स का जो मान है 5 माइनस एच प्लस 1 और यहाँ पर के जो का टर्म 5 एच का वैल्यू 0 पुट करो प्लस 1 और यहाँ पर के हो जाएगा और 5 में से 0 जाएगा 5 प्लस 1 गुणा करेंगे 5 के प्लस 1 हो जाएगा पुनः पुनः आर एच आर एच लिमिट एक्स टेंड टू 5 प्लस एच एफ एक्स बराबर दे दिया हमारा 3x माइनस 5 लिमिट लिमिट एच टेंड टू 0 3 एक्स का वैल्यू 5 प्लस एच माइनस 5 जेव का त्यों, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आगे की ओर 3 जेव का त्यों 5 प्लस एच का वैल्यू 0 पुट करेंगे और यहाँ पर माइनस 5 है 3 5 और 0 जोड़ने पर 5 माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 में 5 में गुणा करने पर 15 माइनस 5 और हम करेंगे इतना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसका मान इतना आया और इसका मान इतना आया, इसको कैसे हल करेंगे। कह रहा कि संतत संतत होने होने का शर्त शर्त एल एच लिमिट बराबर आर एच लिमिट एल एच लिमिट 5 के प्लस 1 5 के प्लस 1 आर एच लिमिट है 10 5 के बराबर 10 ये प्लस में बच जाएगा माइनस 5 के बराबर 10 में से ये जाएगा 9 के बराबर 9 ये गुणा में कितना हो जाएगा भाग में, तो के का मान 9 बटा में कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से आपको रिक्वेस्ट है आगे की ओर कल क्वेश्चन।